गुटका के चक्कर में जो बताओ, आप पत्नी से कितने साल से नहीं बोले? पता नहीं जी कितने साल हो गए, जीवन ही निकल गया पूरा गुटका। बस समाज की वजह से घर में रखा और संबंध कैसा भी। सोच लो पंडों का सरकार कितनी गहरी बात निकाल के लाते हैं, अब दुनिया क्यों ना माने इस बात को। कहां से आए हो? दादरी से। दादरी से? ये दादरी कहां पड़ता है? गाजियाबाद के पास। क्या समस्या लेके आया? सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। जी मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा बैनामा लिखा का काम है। काम नहीं चल रहा है। काय का काम है आपका? बैनामा लिखा काम है, सोने चांदी का काम है। हमने लिखा है जेवर के काम नाम में सफलता मिलेगी, स्टाम्प ड्यूटी में उन्नति होगी, काजल गर्भवती है। काजल कौन है? बहू है। काजल गर्भवती है, वर्तमान में 3 गर्भपात्र हो चुके हैं, जिसमें एक बार में 3 संतान गर्भपात्र हुई है, 2 लड़की 1 लड़का, या 2 लड़का 1 लड़की, ऐसा मान लो 2 लड़का 1 लड़की जुड़वा हुए थे पेट में, खराब हुए हैं, फिर दूसरी बार खराब हुआ है, तो मिला के 2 बार गर्भपात हुए हैं, संख्या 4 हुई है। अब पेट में 3 बच्चे थे। मुंह से बोलो हाँ या ना। हाँ जी। हाँ सही है। क्या थे बच्चे? 3 थे, 2 लड़का 1 लड़की, और 6.5 महीने में जाके खराब हुए थे। बालक दीपक की नशा छूटेगा, एक आपके बच्चा दूसरा है उसका नाम दीपक है। हाँ। दीपक का नशा छूटेगा, ठीक है। और गीता या नीता? गीता, 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 गीता के पुत्री को कमर में दर्द रहता है, लाभ होगा, ठीक है। स्त्री नीलम शर्मा गुटका ज्यादा खाती है, उसकी चक्कर में आपका प्यार टूटा है, तो गुटका छोड़वा दूंगा, प्यार जुड़ जाएगा, आशीर्वाद है। गलत कह रहा हूँ क्या? माइक से बोलो। हाँ जी। गुटका की चक्कर में जो बताओ, आप पत्नी से कितनी साल से नहीं बोले? पता नहीं जी कितने साल हो गए, जीवन ही निकल गया पूरा गुटका ही चक्कर में, जीवन निकल गया, लेकिन पत्नी पत्नी पति पत्नी दूर, लेकिन आप बुढ़ापे पे छुड़वा देते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ तो बुढ़ापे में यही लोग होते हैं। हाँ जी हमने तो छोड़ा नहीं, बस हम घर में ही हैं, बस समाज की वजह से घर में ही रखा और संबंध कैसा। सोच लो पंडों का सरकार कितनी गहरी बात निकाल के लाते हैं, अब दुनिया क्यों ना माने इस बात को। और पंडों का सरकार दरबार में हर पर्चे पे एक शॉट होता है 6। बताओ गुटका जैसी बात, इतना गहरा रिश्ता किस बात पे टूटा? ये पंडों का सरकार दरबार से लाजवाब होते हैं लोग। बोलिए पंडों का सरकार की। माइक नीचे रख दीजिए, माइक नीचे रखिए। हनुमान जी कृपा करेंगे आपके घर में सब चकाचक, आज से ही बरहा दर्शन करो, मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। भूत बाधा समाप्त होगी भी तो खत्म, चिंता मत करो, डाउट मत रखो, कोई भूत बाधा भगो, हनुमान जी की कृपा है तुम्हारे ऊपर। जाओ भैया। ओ भैया तुम 1100 रुपया का बढ़िया आज रुको रात में, और आज मंदिर पे जाना, धाम में प्रणाम करना, और वहीं से आटा खरीद लेना कहीं दुकान से 1100 रुपए का। हाँ, और अपने हाथ से बढ़िया सा अच्छा गूथना, छोटी छोटी गोलियां बना करके पुष्पावती में चुनाओ, जाओ तुम्हारे घर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्या कहा हमने? दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप 1100 रुपए का संकल्प निकालिए, दीजिए, वहीं दो। सबसे ऊपर का और सबसे नीचे, बस 2 हो गए, 100 का निकाल लो। इसका नंबर इनमें से एक नोट का या दोनों नोट के ये नंबर होंगे, देखो 8297 है क्या किसी का? देखो 8297 लास्ट में होगा, 2BV9482 है, दिखाइयो स्क्रीन पे, पकड़ के दिखाओ अच्छे से। बोलिए पंडों का सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। जाइए, ये 1100 रुपए का चलाना है, गो।